कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद पवन काजल समर्थकों साथ ब्रजेश्वरी मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। नगर के तहसील चौक से बैंड बाजों के साथ झूमते नाचते हुए समर्थक जोश के साथ ब्रजेश्वरी मंदिर तक गए। इस दौरान विधायक पवन काजल नगर के सभी दुकानदारों से भी मिले और चुनाव में समर्थन मांगा। काजल ने कहा वह अपने जीवन में जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मां ब्रजेश्वरी का आशीर्वाद लेकर ही उसका आगाज करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान ने जो विश्वास उन पर जताया है, माता ब्रजेश्वरी के आशीर्वाद से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज वीरवार से ही बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है। 25 अक्टूबर को वह नामांकन दाखिल करेंगे। काजल ने कहा कांगड़ा में बीजेपी एकजुट होकर चुनाव जीत कर नया रिकॉर्ड बनाएगी। मंदिर में पुजारी उमा शंकर, अश्वनी शर्मा और राम प्रसाद शर्मा ने काजल को सरोपा भेंट किया। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यकर्ता आगे वो भी आ जाएंगे, उनके साथ भी हम समन्वय बनाएंगे। अभी तो टिकट लेके हम माता के दर्शन करने आए हैं। जब हम चुनावों में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, हो सकता है वो हमारे साथ चले, वैसा नहीं है इसका कोई। नामांकन पत्र जो है, नामांकन पत्र जो हमने 25 तारीख को मंगलवार को हमने भरना है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, पर उनकी जो जब दिन कहाँ कहाँ पे नहीं है या किसी और जगह जाएंगे उसके बारे में अभी पक्का नहीं है ना। बिहार गांव के माध्यम से मैं उसमें आ गया था, मैंने उस दिन कहा था कि कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, है ना। तो कोशिश करके अभी तक माननीय मुख्यमंत्री का पक्का नहीं है। रैली जो ये जो आपका नामांकन जब जिस दिन भरेंगे वो रैली हो जाएगी, आपने कोशिश कर रहे हो वो रैली हो जाएगी। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।